Good morning, class. I am Kuldeep Singh, your computer teacher. In previous video, I described you how to insert an image in Word file, in Word document. किसी भी Word document में हम कोई image कैसे insert कराते थे. आज हम बात करने जा रहे हैं अपने new session की text wrapping. Text wrapping. कैसे इनपुट कराते हैं और कैसे हम उसके साथ वर्ड्स का एडजस्टमेंट करते हैं. जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमने अपना इमेजेस इंसर्ट कराए थे जिससे कि हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट अट्रैक्टिव हो रहा था. तो आज हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पर कि हमें इंसर्ट कराना क्यों चाहिए और कैसे हम इंसर्ट कराते हैं अपने वर्ड के साथ, अपने टेक्स्ट के साथ उनको कैसे एडजस्टमेंट करते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम इंसर्ट कैसे कराए, इसमें कैसे करते हैं, टेक्स्ट रैपिंग कैसे करते हैं. तो टेक्स्ट रैपिंग इज अलाउ टू अस to write a text behind and front of the images. इमेज के ऊपर और नीचे दोनों तरफ वर्ड्स को हम लिख सकते हैं. वर्ड को हम इमेज के स्क्वायर के अकॉर्डिंग बना सकते हैं. अपने अकॉर्डिंग हम इमेज के शेप को चेंज कर सकते हैं. How to insert? यहाँ हम बात करते हैं टेक्स्ट रैपिंग की, कैसे हम टेक्स्ट रैपिंग करते हैं. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेक्टेड इमेज जो भी आपको सेलेक्ट इमेज करनी है वो आपको इमेज सेलेक्ट करनी पड़ेगी. सेलेक्ट इमेज करने के बाद आप जिस डॉक्यूमेंट में वो इंसर्ट करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट पर आपको वर्ड में जाना होगा. उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट टैब पर. फॉर्मेट टैब में जाना है जहां पर आपको वर्ड रैप टेक्स्ट ऑप्शन मिलता है. रैप टेक्स्ट, ब्रैड टैक्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ब्रैड टैक्स से आपका एक ऑप्शन ओपन हो जाएंगे, एक ड्रॉप डाउन विंडोज ओपन हो जाएगी, डायलॉग बॉक्स आपकी ओपन हो जाएगी. जैसे ही आप सिलेक्ट करते हैं ब्रैड टैक्स, यहाँ पर आपकी एक विंडोज ओपन हो जाती है जिसमें आपका होता है फर्स्ट स्क्वायर, उसके बाद आता है आपका टाइट, आपके मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर ओपन हो जाते हैं. इसके बाद आपका थ्रो, देन आफ्टर टॉप बटन, टॉप बॉटम, उसके बाद आता है आपका बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट के बाद आता है आपका इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट. देन आफ्टर दिस आता है आपका एडिट विद ब्रेल पॉइंट, एडिटिंग ब्रैक पॉइंट, एंड लास्ट में आता है आपका मोर लेआउट ऑप्शन. मोर लेआउट ऑप्शन. तो सबसे पहले बात हम करते हैं, जैसे ही आपका ब्रैक टेक्स्ट ओपन होगा तो जो आपका आता है फर्स्ट आता है आपका स्क्वायर. तो स्क्वायर क्या होता है, सपोज दैट आप एक इमेज इंसर्ट करनी थी टेक्स्ट, ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया हो गया. क्लियर, यहां पर ये इमेज होगी मेरी कुछ भी इमेज, और यहां पर सब आपका टेक्स्ट लिखा होगा. तो सब जहां भी आपने स्क्वायर किया है तो ये क्या करेगा, जहां भी आपको इंसर्ट कराना है वहां पर एक स्क्वायर इमेज के ऑलराउंड एक स्क्वायर क्रिएट हो जाएगा, और वो आपकी इमेज जहां भी आपने इंसर्ट करानी है वहां पर स्क्वायर
शेप में आपका इंसर्ट हो जाएगा, ये ऐसे, क्लियर। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट टाइप। टाइप क्या करता है, जैसे कि आपकी इमेज, सपोज दैट मेरी इमेज होगी, पहले क्या था हमारा स्क्वायर था, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट क्या करेगा, टाइप टाइप की है, टाइप में क्या होगा, आपके इमेज के चारों ओर वर्ड टेक्स्ट लिखा आएगा, कोई स्क्वायर कोई गैप इसमें आपका नहीं बनने वाला है, क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं थ्रो की, थ्रो में आपने जो भी इमेज बनाई है, सपोज दैट आप ऐसा लिखेगा कि टेक्स्ट इमेज से होकर ही जा रहा है, इसमें कोई जहां पर जिसमें गैप है आपके क्या था, जो आपका टाइप था उसमें यहां पर यहां जो इसमें कोई आपका टेक्स्ट नहीं लिखा था, लेकिन जो थ्रो है थ्रो में आपको ऐसा लिखेगा कि यहां से भी एक टैच होकर इस इमेज के अंदर से टेक्स्ट जा, क्लियर। इसके बाद आपका टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम, टॉप एंड बॉटम क्या करते हैं कि जो आपकी इमेज आपने इंसर्ट करनी है उस इमेज पर एक लाइन ऊपर आ जाती है, टॉप पर एक हो जाती है, बॉटम पे और बीच में आपकी आ जाती है इमेज आ गई, ये होता है आपका टॉप एंड बॉटम। अब इसके बाद बात करते हैं बिहाइंड टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट में ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होता है, बिहाइंड टेक्स्ट में आपकी टेक्स्ट होता है और टेक्स्ट के पीछे इमेज वाटरमार्क की तरह, जैसे कि आपका वर्ड में आपने कभी पढ़ा होगा वाटरमार्क के पीछे कुछ लिखा हुआ है, कुछ इमेज होती है और उसके ऊपर टेक्स्ट राइट किया जाता है, क्लियर। उसके बाद आता है इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट में आपका इमेज ऊपर आ जाती है और टेक्स्ट उसके नीचे, क्लियर। देन एडिट रैप पॉइंट्स, इसमें आप अपनी जैसी इमेज है उसके अकॉर्डिंग टेक्स्ट उसको रैप कर सकते हैं, रैप को पॉइंट्स को एडिट कर सकते हैं, ये भी आपकी टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शंस, जो कि डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस यहां पर होते हैं जिनको फिर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपका टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगी और देन ओके, उसके बाद आप उसको ओके कर दीजिए। तो एक बार मैं बता देता हूं कैसे होता है कि सबसे पहले आपको सेलेक्ट इमेज करनी है, सेलेक्ट इमेज, देन फॉर्मेट टैब, फॉर्मेट टैब, और उसके बाद आपको फॉर्मेट टैब में जाना है Wrap text, तो आपका टेक्स्ट रैपिंग हो जाएगा, ओके। हैव अ गुड डे, थैंक यू।